जाने दुनिया के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी हैरान कर देने वाली कहानियाँ, वो भी हिंदी में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्या आपको पता है, ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है, और इस वीडियो में आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में यह बनकर तैयार हुआ। आज के समय में इसे कलाकारी का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। शोधकर्ताओं के द्वारा इस पर बहुत से शोध किए गए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे छिपे हुए हैं। उनका यह भी मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, यह धरती की उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि उस जमाने में किले से बाहर निकलने के लिए कई गुप्त रास्ते हुआ करते थे। कुछ रास्ते तो किले की गहराई से होकर गुजरते थे। ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे भी एक रास्ता है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमय तहखानों की तरह इस रास्ते को भी शाहजहां ने बंद करवा दिया था। साल 1954 में दिल्ली के एक व्यक्ति ने छेद के जरिए तहखाने के अंदर झांक कर देखा। उसने देखा कि वह कमरा स्तंभों से बना एक हॉल था। वह स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार उन कमरों में रोशनदानियां भरी पड़ी थी, जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है। उन रोशनदानियों को संगमरमर के पत्थरों से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने वहां कुछ छुपाने का प्रयास किया था। वहां के लोगों का मानना भी यह है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था, जिसे ताजमहल का रूप दे दिया गया। लेकिन सच्चाई क्या है, ये किसी को नहीं पता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इन 22 कमरों को बंद किया, ताकि सच्चाई के चलते आगे जाकर दंगे स्टार्ट ना हो। वैसे देखा जाए तो कुतुब मीनार सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन असल में सबसे ऊंची नहीं है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे अधिक भीड़ निकलती है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां एक दिन में इतनी भीड़ इकट्ठा होती हो। क्या आप शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हो जो उन्होंने देखा था? जी हाँ, बिल्कुल। शाहजहां मुमताज के लिए और अपने लिए एक काला ताजमहल बनाने वाले थे, लेकिन जिससे पहले एक और ताजमहल बनाते औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, और उसके बाद उनका यह सपना हमेशा ही सपना बनकर रह गया। क्या आपने देखा है, ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारे हैं, जो कि सीधी खड़ी ना होकर ताजमहल की ओर हल्का झुकी हुई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि बिजली गुंबद पर ना गिरे, इसलिए झुकी हुई है। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि वे चारों मीनारे झुककर गुंबद को सलाम कर रही हैं। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था, जिस जगह पर आज के दौर में हम उस भव्य इमारत को देख पा रहे हैं, वह पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसकी छत से टपकने वाला पानी शिवजी के शिवलिंग पर टकराता था। उसके पीछे एक कहानी यह भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काटने का फैसला किया, ताकि वे मजदूर ऐसी कोई दूसरी इमारत ना बना पाए, लेकिन उससे पहले ही उन मजदूरों ने इसमें एक छेद छोड़ दिया, ताकि शाहजहां के एक खूबसूरत सपने में एक दाग रह जाए। कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे तहखानों में एक बहुत बड़ा खजाना हो सकता है, साथ ही कुछ ऐसे दस्तावेज या सबूत भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बिल्कुल पलट कर रखते हैं। इन तहखानों को खोले जाने की खबरें तो बहुत आई, लेकिन इन्हें कभी भी खोला नहीं जा सका। कुछ तहखाने खोले गए, लेकिन बाद में उन्हें अनजान कारणों से बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ताजमहल से जुड़े रहस्यमयी फैक्ट जो शायद ही आपको पता हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारा चैनल पहली बार वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। धन्यवाद।